सरदार यानी कि लीडर। प्लेयर का भीष्म पितामह है वो। फिजिकली बहुत स्ट्रांग और मेंटली भी बहुत टफ प्लेयर है। सरदार सिंह के बिना भारतीय टीम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरा नाम सरदार सिंह है, मैं इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन हूँ। मैं तो उनको कहता हूँ कि प्लेयर का भीष्म पितामह है वो, क्योंकि जो उनका डिसीजन है, उनका स्किल है, खेलने की क्षमता है। और खेलने की क्षमता में ऐसा है कि अपोनेंट्स कोचेज हमेशा एक रीड करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आज इस प्लेयर पे कैसे किया जाता है। मेरे ख्याल से उससे उभर के सरदार सिंह आगे आते हैं। सरदार यानी कि लीडर, स्कीमर, बैकबोन। भारतीय टीम में सरदार सिंह के बिना भारतीय टीम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये इसलिए नहीं कि और कोई खिलाड़ी वहाँ नहीं खेल रहा है, तो इसलिए कि वो सारे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो उससे, सरदार सिंह से इंस्पिरेशन लेते हैं, वो उससे सीख लेते हैं, सबक लेते हैं। बहुत बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका नाम है और उनका नाम FH की टॉप कैटेगरी के प्लेयरों में आता है और कई बार कंसिडर हुआ है FH के टॉप प्लेयर के लिए भी। मैं समझता हूँ कि वो हर लिहाज से एक बहुत टेक्निकली बहुत साउंड और फिजिकली बहुत स्ट्रांग और मेंटली भी बहुत टफ प्लेयर हैं और टीम के लिए एक बहुत बड़े एसेट है। सरदार इज ऑफ कोर्स एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। व्हेन यू नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर टॉप 5 इन द वर्ल्ड, दिस शोज यू आर रियली अ ग्रेट प्लेयर। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। दैट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी चोजन ऑफ टू बी प्री सेलेक्टेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स। मिस्टर डिपेंडेबल मैं उसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो कोई भी मैच हो, कितने भी खिलाड़ी उसके आसपास हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, वो उसमें से बड़ी आसानी से बाहर निकल आते हैं। जैसे एक चाकू, गरम चाकू मक्खन के बीच में से निकल जाता है, वैसे सरदार सिंह है। उनका जो स्वरूप है, उन्होंने जो अपना एक ऑरा बना लिया है भारतीय हॉकी टीम में ही नहीं विश्व में, वो एक प्रेरणा है। और आने वाले समय में मैं नहीं समझता हूँ, जल्द से जल्द अगर हमने एक और सरदार सिंह तैयार नहीं किया तो बहुत बड़ा वैक्यूम हमें नज़र आएगा। सरदार सिंह का जो कॉमनवेल्थ का वो फाइनल मैच था, एज ए कोच मैं मानता हूँ मेरे लिए वो बहुत वन ऑफ द बेस्ट मैच था। सेकंड मैच जो मैं उनके कैरियर का मेरे को हमेशा बहुत अच्छा लगता है और हमेशा देखना चाहता हूँ उस मैच को, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। मेरे ख्याल से ऐसा था कि उस मैच में इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट दे चुका था कि हम सिल्वर मेडलिस्ट बनेंगे, क्योंकि मेरी ऑस्ट्रेलिया टीम नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टीम थी और हमारी तैयारियां अच्छी थी, लेकिन ऐसी तैयारी नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया टीम को जितवाया जा सके। और मैं सरदार सिंह को मैच से एक दिन पहले बोला कि सरदारा, आज मैं हिंदुस्तान का मैच देखने नहीं आया, सरदारा का मैच देखने आया। और मेरे को इस बात का बहुत खुशी हुआ था कि सरदारा उस मैच में, इंग्लैंड के मैच में, जैसे जैसे बॉल सप्लाई किया और जिसमें इंडियन टीम जीती, वो मेरे ख्याल से वो मेरे ज़िंदगी का एक अहम मुकाबला था। पिछले 3-4 साल की जो परफॉर्मेंस थी, लाइक कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड कप में और एशियन गेम्स में, उससे लाइक मेरे को भी थोड़ा फील हुआ कि हाँ, अभी मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ा, मैं अच्छा खेल रहा हूँ। तो उसके ऊपर जो मेरी गलतियां थी उसके ऊपर मैंने और ज़्यादा काफ़ी हार्डवर्क किया। तो अभी 2 साल से मैं कैप्टन हूँ और काफ़ी जिम्मेदारी है अभी, और लकी हूँ कि साथ वाले जो प्लेयर हैं वो काफ़ी लाइक एक दूसरे को गाइड करके चल रहे हैं। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह के बेमिसाल खेल का ही नतीजा है कि सन 2013 के यूरो हॉकी लीग चैंपियंस नीदरलैंड के बिलोमंडाल क्लब ने उन्हें नए सीजन के लिए साइन किया। बेहतरीन मिडफील्डर सरदार सिंह ने यहां जगह ली दुनिया के सर्वकालीन महान खिलाड़ियों में से एक टेंडे नोयर की। टेंडे नोयर इसी साल रिटायर हुए हैं। इस मौके पर नीदरलैंड के इस मशहूर क्लब के अध्यक्ष हेनरी जोमन ने कहा, टीम को ना सिर्फ सरदार के अनुभव से मदद मिलेगी, वो अपने करिश्मे और शोहरत से क्लब के युवाओं को प्रेरित करेंगे। स-
सरदार सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम नए सिरे से खड़ी हो रही है। एशिया कप के रास्ते सरदार सिंह ने भारत को लंदन ओलंपिक और वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल में मिली निराशा से उभारा है। सरदार सिंह का बेजोड़ खेल बाकी खिलाड़ियों को भी अपना सब कुछ झोंक कर नए सिरे से खेलने को प्रेरित करता है। मेरा ये था कि मेरे को कैप्टन से वो कुछ नहीं था, मेरे को ये था कि मैंने अपना परफॉर्म करना ग्राउंड के ऊपर, तो मैंने अपना माइंड में यही रखा। तो उसके बाद फेडरेशन ने डिसाइड किया कि मेरे को कैप्टन बनाना, तो मैं लकी हूँ कि मेरे साथ जैसे श्री जेश, रघुनाथ अच्छे प्लेयर्स हैं, एसवी सुनील, वो लाइक काफ़ी गाइड करते हैं साथ में, क्योंकि सिर्फ कैप्टन का रोल नहीं है ग्राउंड के ऊपर, जो जितने साथ वाले प्लेयर्स हैं उनको भी साथ में ले कर चलना पड़ता है। तो जितने यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, अगर उनको कुछ बोल दिया जाए तो वो काम पूरा करते हैं। जब हम लूज़ कर रहे होते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो मेरा यही टारगेट होता है कि जितने जूनियर्स प्लेयर हैं, साथ वाले प्लेयर्स हैं, उनको मैं और ज़्यादा गाइड करूं और मोटिवेट करूं। सबसे बड़ी बात जो मैं सितारा के लिए जान पाया हूँ और उसको देखा है, वो एक बहुत अच्छे कप्तान भी, और टीम को साथ लेके चलते हैं, जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं, सीनियर्स को भी साथ लेके चलते हैं, और ऑफिशियल्स की भी डिसिप्लिन की बहुत कदर करते हैं और वो खुद भी फॉलो करते हैं। हर लिहाज से वो एक बहुत अच्छे टीम के कप्तान हैं। इतने सारे कैप्टन्स के अंदर सरदार सिंह खेले कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लगता है मेरे को कुछ ना कुछ हर कैप्टन से उन्होंने ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन्स वही अच्छा होता है जो स्पेस दे अपने प्लेयरों को डिसीजन लेने में, उनको समझाए और किस टाइप से खेलना है वो कम्युनिकेशन रखे। सरदार सिंह इसमें मेरे ख्याल से बखूबी एक कैप्टन के तरफ तौर पे बहुत अच्छा उतरे हैं। और ये देखिए, अगर उनकी कप्तानी में तो हर प्लेयर, चाहे वो नया प्लेयर है चाहे एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, सबको स्पेस दिया, ब्रीदिंग स्पेस जिसको कहते हैं, उससे जिसकी वजह से टीम का प्रदर्शन सरदार सिंह के अंदर बहुत अच्छा है। Sardar is a leader by example. He is the one who shows the guys what to do. He is not the most extrovert leader, but that is not always necessary, because when you have vice captains who are like Shriyesh, like Raghunath, that's perfect combination. And Sardar is the guy who really hockey-wise is really the leader. And that's what he's showing every day again. And that's also why all his fellow mates, they really see him as their leader, and they will follow them, because they see and they feel that he is helping them to become a better player as well. And that is one of these really great efforts that he's making as a team leader. राह जितनी मुश्किल हो, सरदार सिंह का खेल उतनी ही नई ऊंचाई ले जाता है। सन 2013 के वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में बुरी तरह नाकाम हुई भारत टीम के सामने वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए एशिया कप आखिरी चुनौती की तरह सामने आया, तो बीमारी के बावजूद सरदार सिंह मैदान पर उतरे और भारतीय टीम सबको चौंकाते हुए फाइनल में थी, ठीक वर्ल्ड कप के दहलीज पर। जो लास्ट हमारा एशिया कप था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पूरे लाइक हॉकी लवर्स के लिए, इंडियन टीम के लिए, और उनको मेरे हिसाब से एशिया कप से पहले 6 वीक का टाइम मिला था टीम के साथ स्पेंड करने का, तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट था। काफ़ी हाई इंटेंसिटी की हमारी ट्रेनिंग हुई उस कैंप में, लकी कि लाइक हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मैंने जब भी उसको देखा है तो उसकी परफॉर्मेंस रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहती है, और सबसे ज़्यादा मैं उसको एशिया कप कोरिया के विरुद्ध फिर कहना चाहूँगा कि हालांकि उसकी फिटनेस में प्रॉब्लम आई थी, बीमार हो गया था, उसके बावजूद उसने कोरिया के विरुद्ध से लीग मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कोरिया का फाइनल में सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा अपने कैरियर में यही ड्रीम है कि मैं अपनी नेशनल टीम से ज़्यादा लाइक अच्छी हॉकी खेलूं नेशन की तरफ से, और अपने आप को फिट रखूं, और किसी मेजर टूर्नामेंट में जैसे ओलंपिक और वर्ल्ड कप है उसमें मैं अपने कंट्री के लिए मेडल जीतूं। सितंबर
सन 2013 में पहली हॉकी इंडिया लीग के मंच पर जब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टैलेंट जुटा तो यहाँ भी सरदार सिंह का खेल सब पर भारी था। उनकी कप्तानी में दिल्ली वेव राइडर्स जीत दर्ज करते हुए फाइनल में पहुंची और सरदार सिंह बने पहली हॉकी इंडिया लीग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। काफी अच्छा माहौल था टीम का, जितने फॉरनर्स थे टीम में उनसे हमने काफी कुछ सीखा और उसके बाद जो दिल्ली टीम ने कंटिन्यू हमारे जो लीग मैचेस थे वो मेरे हिसाब से सभी हमने मैच जीते, तो एक मैच हमने लूज़ किया उस पूरी सीरीज़ में और एक फाइनल हमने लूज़ किया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सरदार सिंह को बचपन में ही हॉकी का माहौल मिला। हरियाणा के सिरसा जिले के संत नगर राइना में जन्मे सरदार अपने गांव में बच्चों को हॉकी खेलते देख एक बार हॉकी से जुड़े तो फिर इसी के होकर रह गए। भारत के लिए खेल चुके उनके बड़े भाई दीदार सिंह ने उन्हें हॉकी की बारीकियां सिखाई। अपने जीवट और लगन से सरदार सिंह इस खेल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर कामयाबियों की नई मंजिलें तय करने लगे। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे फादर जी हैं वो फार्मर हैं और जो मेरे ब्रदर हैं वो भी हॉकी प्लेयर हैं। जब हम गांव में थे तो ग्राउंड के लिए जाते थे तो उनको देख के मैंने हॉकी ही पसंद किया खेलना। मेरे गांव में काफ़ी ज़्यादा हॉकी का क्रेज़ है और डेली 80 और 90 के करीब छोटे बच्चे आते हैं, तो उससे मैं इंस्पायर होकर मैंने हॉकी खेलनी शुरू की। I know at a young age already he had to leave his house to go to a hostel in another small place, to be honest, to start his development there. And everyone recognized his talent already at a young age, of course. So people were helping him, but he was a tiny little boy. He was tiny, he was small, but the talent was there. But he at the same time showed that he was so determined to learn, to develop himself and to become one of the best players of India. That was his dream. मेरे गांव में जैसे जो हमारे गुरुजी हैं वो एकेडमी चला रहे हैं, उधर हमारे 80-90 के करीब डेली बच्चे आते हैं, तो उनमें से हर एक साल के बाद हमारी सिलेक्शन होती है, जो बेस्ट 20 या 25 लड़के हैं उनकी सिलेक्शन होती है, फिर हम पंजाब में एक उनकी एकेडमी है नामदारी एकेडमी, तो मेरी गांव से सिलेक्शन हुई, फिर मैं एकेडमी में गया, कम से कम उधर मैंने 8-10 साल लगाए एकेडमी में। All these people in those hostels, those academies, later on in the national program, helped him to achieve that. In the last couple of years, yeah, he really understand what is necessary. 2006 में मैंने पहले पाकिस्तान के साथ जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था वो मैंने खेला। पाकिस्तान के साथ मैच चल रहा था तो उस पूरी गेम में मेरी बॉल टच नहीं हुई, तो मैंने उधर ही बैठ के गेम के बाद मैंने सोचा नहीं यार हॉकी काफ़ी मुश्किल है तो मेरे से नहीं खेली जाएगी, तो जब मैं वापस जाऊँगा इंडिया तो मैं कोई और काम देखूँगा। उसके बाद सडनली हमारा एक नेक्स्ट कैंप था, उस कैंप में धनराज पिल्ले, जुगराज सिंह, गगनजीत सभी उस कैंप में शामिल थे, तो उसके बाद मेरा ये था कि हाँ मेरा नाम सीनियर कैंप में है और सभी बेस्ट प्लेयर्स इस कैंप में हैं, तो धीरे धीरे मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया और उनसे काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद अभी 2 साल पहले मैं इंडियन टीम का कैप्टन बना हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब मैं मिडफील्ड में खेलता हूँ मेरी यही कोशिश होती है कि पहले बॉल रिसीव करूँ और रिसीव करने से पहले ही मैंने अपना आदमी देख के रखूँ और वो मैं मोस्टली मैचेस में करता हूँ। मैं भी आपको बताऊँगा कि लॉन्ग पास और रिसीविंग कैसे की जाती है।